हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया। देखिए, फर्स्ट पार्ट हम इसका पढ़ चुके हैं, आज हम सेकंड पार्ट इसका पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया पढ़ना है विद ट्रिक, हमें पढ़ना है। ट्रिक मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दी है, अगर आपको नहीं ध्यान तो एक बार फिर से इसे रिवाइज कर लेते हैं। बूढ़ी मम्मी आई एक हफ्ता दौड़ी, बी फॉर बेंटिक, एम फॉर मेटकाल्फ, ए फॉर ऑकलैंड, ई फॉर एलनबर्ग, एच फॉर हार्डिंग एंड डी फॉर डलहौजी। तो बेंटिक, मेटकाल्फ एंड ऑकलैंड, ये तीन हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एलनबर्ग, हार्डिंग और डलहौजी के साथ। इसी के साथ मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये भी बताया था कि गवर्नर ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कैसे बने, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कैसे बने। इसी के साथ बताया था कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हमारे कौन थे, विलियम बेंटिक। अब देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ साथ में नोट्स बनाएं, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूव होंगे आपके लिए। एंड ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे चलते हैं अपने मेन कंटेंट की ओर। सो फर्स्ट हमारा आता है लॉर्ड एलनबर्ग, जिनके बारे में हमें पढ़ना है। इनका टाइम पीरियड था 1842 से 1844 तक। अब इनके टाइम में एक ही चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, बाकी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ही अबॉलिश्ड स्लेवरी। 1843 में स्लेवरी सिस्टम, इन्होंने जो स्लेव्स का सिस्टम होता है वो बंद करवाया था। सिंध वॉज एनेक्स्ड बाय चार्ल्स नेपियर। इनके टाइम में जो सिंध है वो चार्ल्स नेपियर ने अपने अंडर किया था, इसी के साथ वो बने थे पहले गवर्नर सिंध के। एंड फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर वॉज एंडेड। पिछले जो हमने पढ़े थे उनके टाइम में एंग्लो अफगान वॉर हो रही थी, यहाँ पे एंड हो गई। इससे पहले वाले कौन थे, बूढ़ी मम्मी आई आ ऑकलैंड। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया चार्ल्स नेपियर वाला। आपने याद रखना है कि पहले गवर्नर सिंध के कौन थे, चार्ल्स नेपियर थे। सिंध इन्होंने एनेक्स किया था, लॉर्ड एलनबर्ग के टाइम में बने थे। नेक्स्ट आती है लॉर्ड हार्डिंग। तो देखिए, इनके बारे में भी ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। टाइम पीरियड की बात करें, 1844 से 48 तक का इनका टाइम पीरियड था। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1845 से 46 के बीच इस टाइम पीरियड में हुई थी। एंड ब्रिटिशर्स डिफीटेड सिख्स, यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने सिखों को हरा दिया था, विच एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ लाहौर। एक युद्ध होता है, एक पार्टी हारती है, एक पार्टी जीतती है, ऐसे ही होता है। उसके बाद एक पीस ट्रीटी होती है दोनों के बीच में, वही ट्रीटी थी हमारी लाहौर की संधि। ठीक है, इस चीज़ को आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि वॉर्स वगैरह से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अब हमारा आया सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे कि देखिए, हम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं ना, तो हमारे जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं और जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं, दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि दोनों ने ये काफ़ी अच्छे काम किए हैं, तो फिर उसलिए ये जाने जाते हैं। चलिए, अच्छे भी नहीं कह सकते, लॉर्ड डलहौजी तो सबसे बुरे काम के लिए फेमस है, डॉक्टर एन ऑफ लाप्स है ना, बट काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स इनके टाइम में हुए, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो देखिए, लॉर्ड डलहौजी लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इनका टाइम पीरियड था 1848 से 1856। इनके टाइम पे क्या क्या हुआ, सबसे पहला मेन पॉइंट डॉक्ट्राइन ऑफ लाप्स। 1848 में डलहौजी ने स्टार्ट किया डॉक्ट्राइन ऑफ लाप्स। ये होता क्या है, वैसे तो मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, 1857 रिवोल्ट मैंने पढ़ा था, तो मैंने आपको उसमें बताया था कि पॉलिटिकल रीजन जो है एक डॉक्ट्राइन ऑफ लाप्स भी रहा, वहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया था। नहीं आपने वीडियो देखी है तो यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। डॉक्ट्राइन ऑफ लाप्स क्या होता है, इफ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट मेल हेयर हिज किंगडम वुड लैप्स एंड ऑटोमेटिकली बिकम्स पार्ट ऑफ कंपनीज टेरिटरीज। अगर कोई भारतीय शासक कि मृत्यु हो जाती है और कोई मेल वंशज नहीं है, उनका कोई बेटा नहीं है उनका, ठीक है, अडॉप्टेड सन नहीं होना चाहिए, बेटी नहीं होनी चाहिए, बेटा ही वंशज होना चाहिए। ठीक है, तो अगर किसी भारतीय शासक की मृत्यु हो जाती है बिना वंश के, बिना वंशज के, बिना, समझ रहे हैं आप, उत्तराधिकारी के, यस उत्तराधिकारी इज द करेक्ट वर्ड, अगर ऐसा होता है तो उसका किंगडम, उसका साम्राज्य डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के अंडर चला जाएगा। ठीक है, नाउ यहाँ पे मैंने बताया है आपको कि स्टेट का नाम और सबसे पहले किसने एक्सेप्ट किया, मतलब कौन बेचारा डॉक्टर ऑफ लैप्स के अंडर ब्रिटिशर्स के पास फंस गया है ना, वो सब कुछ। तो सबसे पहले आता है सतारा, जो कि महाराष्ट्र में है 1848 में। जैतपुर प्लस संबलपुर 1849 में। बघाट हिमाचल प्रदेश में है, सोलन में 1850। उदयपुर राजस्थान 1852। झांसी 1853। नागपुर महाराष्ट्र 1854। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर ऑफ लैप्स सबसे पहले किसने एक्सेप्ट किया, सब्सिडियरी अलायंस सबसे पहले किसने एक्सेप्ट किया, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो जो पहले दो थे ना, एलनबर्ग एंड हार्डिंग, इनके बारे में ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है और जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, इनके बारे में काफी कुछ है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो चलिए, लॉर्ड डलहौजी का ये वाला कंसेप्ट आपको समझ आ गया, अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। इनके टाइम पे और क्या हुआ था, ही अबॉलिश्ड टाइटल्स एंड पेंशन सिस्टम।
जो टाइटल हम लगाते थे ना पहले, उसको इन्होंने बंद किया, हालांकि पूरी तरह से बंद नहीं कर पाए थे। पेंशन सिस्टम इन्होंने बंद किया, ठीक है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ध्यान से सुनिएगा। विडो रिमैरिज एक्ट 1856, विडो रिमैरिज समझते हैं ना कि अगर कोई विधवा है उनकी फिर से शादी करनी है, तो ये एक्ट जो है 1856 में आया। उससे पहले तक ऐसा नहीं होता था, ठीक है। विडो है वो सती हो जाती थी। सती किसने बंद किया? विलियम बेंटिक ने, कब? 1829 में, ठीक है। सो विडो रिमैरिज एक्ट 1856 लॉर्ड डलहौजी के टाइम में आया था, विद द हेल्प ऑफ ईश्वरचंद विद्यासागर, इनकी हेल्प से इन्होंने ये चीज बंद करवाई थी। नेक्स्ट आता है वुड्स एजुकेशनल डिस्पैच 1854। वुड्स एजुकेशनल डिस्पैच 1854, ये भी जो है हमारे लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में आया था। ये है एजुकेशन रिलेटेड रिफॉर्म, शिक्षा से संबंधित कुछ सुधार थे। एजुकेशन वॉज स्टार्टेड इन वर्नैक्युलर्स, वर्नैक्युलर होता है लोकल भाषा, तो शिक्षा जो है वो लोकल भाषा में दी जानी स्टार्ट की गई, क्योंकि था क्या ना, ब्रिटिशर्स चाहते थे यहाँ पे इंग्लिश आए। अब जिन बच्चों के घरों में अपनी लोकल भाषा बोली जाती है ना, वो कैसे डायरेक्टली इंग्लिश पे आएंगे? उनको पहले हिंदी बोलना तो सिखाओ, उनको पहले लोगों से कम्युनिकेट करना तो सिखाओ, तभी वो इंग्लिश तक पहुंच पाएंगे। तो बस ये चीज़ थी कि अब शिक्षा जो है वो वर्नैक्युलर लैंग्वेज में देनी स्टार्ट की गई, एंड ऑल्सो कॉल्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे कॉलेज के बारे में बात करें, बट लेट मी एडजस्ट दिस स्पेस फर्स्ट। ओके, सो ही एस्टेब्लिश्ड रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज, नाउ IIT रुड़की, एक्चुअली ही नहीं बोल सकते, उनके टाइम पीरियड में जो रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज है ये बना, जो कि आज के डेट में IIT रुड़की है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, ठीक है। 16 अप्रैल 1853 में क्या हुआ? रेलवे सिस्टम इंट्रोड्यूस, जो रेलवे सिस्टम थी वो इंट्रोड्यूस की गई। पहली ट्रेन मुंबई से थाने तक चली। फादर ऑफ इंडियन रेलवे भी लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। जो रेलवे सिस्टम है इंडियन ज्योग्राफी में काफी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, लॉन्गेस्ट रेल एंड रूट्स सब कुछ मैंने वहां पे पढ़ाया हुआ है। नाउ नेक्स्ट आता है पोस्टल एक्ट 1854। आपको क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है कि विडो रिमैरिज एक्ट कौन से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के टाइम पीरियड में पास हुआ? वुड्स एजुकेशनल डिस्पैच कौन से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के टाइम पीरियड में आया? IIT रुड़की किसके टाइम में बना? रेलवे सिस्टम किसके टाइम में इंट्रोड्यूस हुआ? तो आपके पास चार ऑप्शंस होंगे, आपको वहां पे सही जो है ऑप्शन है वो टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट है पोस्टल एक्ट 1854, इनके टाइम में आया। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश्ड, PWD हम बोलते ना, अरे वो PWD में काम करता है, तो वो PWD जो है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, वो उनके टाइम में आया। गंगा कैनाल 1854 में बनी थी, इरिगेशन सिंचाई के लिए, बाद में तो इसका यूज पड़ता गया, बट इनिशियली इरिगेशन के लिए बनी थी। इंडियाज फर्स्ट टेलीग्राफिक लाइन जो कि 1853 में स्टार्ट हुई थी कलकत्ता से आगरा तक, इनके टाइम पीरियड में बनी थी। संथाल अपराइजिंग्स 1855-56 लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में हुई थी। चार्टर एक्ट 1853 इनके टाइम पीरियड में आया था, तभी तो ये बाद में क्या बन गए थे, फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया, ठीक है। 1852 में इनाम कमीशन भी इनके टाइम पीरियड में आया था। ये क्वेश्चन आ चुका है कि इनाम कमीशन किसके टाइम पीरियड में आया, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो बस हमारा आज का टॉपिक हुआ कंप्लीट। हमने क्या पढ़ा? गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया विद ट्रिक, बूढ़ी मम्मी आई एक हफ्ता दौड़ी, ठीक है, सिंपल। आपने ट्रिक याद कर ली, और गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल की क्या ट्रिक थी? हज चले जाओ, वकार भाई मुस्लिम हो आप, और गवर्नर्स ऑफ बंगाल की तो ट्रिक ही नहीं चाहिए, उसमें तो है ही क्या याद करने को, है ना। तो चलिए, इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक हुआ कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।